संजय लीला भंसाली की फिल्मों ने अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में और साथ ही विदेशी बाजारों में दर्शकों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पिछले दो दशकों में प्रतिष्ठित ऑस्कर समारोह के नामांकन पाने के लिए भारत साल 2002 में सबसे करीब आया था। भंसाली निर्देशित फिल्म देवदास की एंट्री पाने के चांस में थी, जिसमें शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित थी। अब चर्चा ये है कि आलिया भट्ट द्वारा अभिनीत गंगूबाई उन कुछ फिल्मों में से एक है जो इस साल ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री हो सकती है। इस साल की शुरुआत में इस फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रीमियर हो चुके हैं और इसे बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भी दर्शकों ने स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। व्यापार के मोर्चे पर यह अंतर्राष्ट्रीय बेल्ट में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म में से एक है, जिसका विदेशी संग्रह 7.50 मिलियन डॉलर है। गंगूबाई के अलावा SS राजामौली की पीरियड ड्रामा RRR के बारे में जोरदार चर्चा है, जो ऑस्कर में आधिकारिक प्रवेश के लिए चर्चा में है। इसी तरह के न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें।